अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेथी के पराठों की बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी, एकदम नए अंदाज में। ये पराठे पर इतने टेस्टी बनकर तैयार होंगे ना कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने मेथी से बनाकर तैयार किए। इतने सॉफ्ट और टेस्टी पराठे बनकर तैयार होंगे ना, तो चलिए आइए बताते हैं हमने ये पराठे कैसे बनाए। तो सबसे पहले मेथी को मैंने यहाँ धो लिया, ये 300 ग्राम के करीब मेथी मैंने यहाँ पर ली है। तो इसको बस अब मैं रफली चॉप कर लूँगी, बहुत ज़्यादा फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं रफली चॉप कर रही हूँ, बस इस तरीके से आप इसको रफली चॉप कर लीजिएगा। और इसके बाद जब मेथी हमारी कट जाएगी तो हम इसमें एक पैन में एक टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पर एक टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, और जब हल्का सा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें मेथी ऐड करेंगे। बस इसके बाद हम इसमें मेथी को ऐड कर देंगे, और मेथी को हम तकरीबन 1 से 2 मिनट पकाएंगे। बहुत ज़्यादा मेथी को गलाना तो है नहीं, बस इस तरीके से आप थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे ना मेथी को, तो इसकी जो कड़वाहट होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो जो लोगों को शिकायत होती है ना मेथी के पराठे कड़वे बनते हैं या इस तरीके के बनते हैं, तो वो शिकायत भी नहीं आएगी और बहुत टेस्टी पराठे बनकर तैयार होंगे। बस मेथी हमारी पक चुकी है। अब यहाँ पर हम एक बोल में, यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो मैदा स्किप भी कर सकते हैं, पर मैंने इसको ऐड किया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर 1.5 कप के करीब मैं गेहूँ का आटा लूँगी। तो आप इसको पूरा गेहूं के आटे का भी बना सकते हैं, मैदा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐड किया है। और 1/2 कप करीब मैंने बेसन ऐड किया था जो मैं शूट लेना भूल गई, और 1 कप के करीब मेथी हो गई थी जो हमने पका के रखी हुई थी। और यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को बॉइल कर लिया था, तो उनको मैंने ऐड किया है, वो भी तकरीबन 1 कप के करीब होंगे। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हमने डालने के बाद 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, और 1 टीस्पून के करीब भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून के करीब इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून पिसी हुई खटाई अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप दही, तकरीबन 100 ग्राम के करीब दही होगा, और दही आप खट्टा नहीं लीजिएगा, सादा दही लीजिएगा। बस इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप कर दें, क्योंकि ऑलरेडी हमने चिली फ्लेक्स डाला था तो उससे भी टेस्ट आ जाएगा। पर थोड़ा सा स्पाइसी पराठे अगर आपको चाहिए तो 3 से 4 हरी मिर्च डाल दीजिएगा। बस इसके बाद यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर देंगे, कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप ऐड कर दीजिएगा। और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ऑयल ऐड करने के बाद अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। पहले आप पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करिएगा, क्योंकि हमने मेथी दही और ये सब वगैरह यूज़ किया है, तो इसमें ऑलरेडी पानी अच्छा खासा होता है। तो पहले हम इसको चेक कर लेंगे मिक्स करके कि पानी की जितनी ज़रूरत होगी, बाद में उतना पानी ऐड करके इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। तो बस इस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ इसको अच्छे से, आराम आराम से आप मिलाइए ताकि सारी चीज़ें एक समान मिल जाए। और हाँ, मैं इसमें 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी भी ऐड की थी, जो मैं ऐड करना भूल गई थी, वे मैंने बाद में ऐड की हुई है। तो आप इसमें पहले ही हल्दी ऐड कर दीजिएगा ताकि अच्छे से इसमें, बस अच्छे से आटा गूंदने के बाद हम यहाँ पर आटे को 4 से 5 मिनट तक गूंदेंगे, और इसके बाद 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे ताकि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने आटे को अच्छे से गूंद लिया। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दूँगी ताकि ये सॉफ्ट बना रहे। तो बस ये यहाँ पे देखिए 10-15 मिनट के बाद मैंने आटा यहाँ पे लिया है, इसको एक बार और सेट करूँगी मैं थोड़ा सा गूंद के, फिर इसके बाद हम पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आटे के बॉल बना के रख लिए हैं, तो यहाँ पे लोई बना के आप रख लीजिएगा, और फिर इसके बाद पराठों को आप बेलना स्टार्ट कीजिएगा। तो जो भी साइज़ का आपको पराठा चाहिए आप उस साइज़ के बॉल बना सकते। तो इस तरीके से आप पराठे बना के देखिए मेथी के, आपको बहुत ज़बरदस्त पराठे बनकर तैयार होंगे। आपको यकीन नहीं होगा ये आपने मेथी से बना के तैयार किया, और सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने रोटी की तरह पराठा बेल लिया था, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बटर लगाया। आप चाहें तो देसी घी या ऑयल कुछ भी लगा सकते हैं। तो बस इस तरीके से आप यहाँ पर पराठों को, मुझे थोड़े से लच्छे देने हैं पराठे में, तो इस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो आपको जो भी जिस तरीके का भी लच्छा पराठा बनाना आता हो, चौकोर, ट्राइंगल, जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो इस तरीके जब बनाएंगे ना तो थोड़ा सा पराठा क्रिस्पी और परतदार बनकर तैयार होगा, जो खाने में भी अच्छा लगेगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बस अब इसको बेल लेंगे इस तरीके से, नॉर्मल आप इसको बेलिए।
और बेलने के बाद बस ये एकदम तैयार है। फिर आप इसको सेक लीजिए तवे पे डाल के। तो आप ट्राई कीजिए कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ पे 3 से 4 पराठे मैंने एक साथ बेल के रख लिए। आप एक सेक के, एक बेल के एक सेक भी सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं। मैंने खट्टा बेल के रख लिए। तो यहाँ पर मैंने पैन गरम कर लिया था, तवे को अच्छे से गरम कर लिया। अब इसमें मैंने पराठे को डाल दिया। मीडियम टू लो फ्लेम पर पराठों को पकाइएगा, फ्लेम को हाई मत करिएगा वरना पराठा आपका जल जाएगा और पराठा क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो बस आप मीडियम फ्लेम में ही इसको बनाइएगा। जब हल्का सा एक साइड हो जाए तो 10 से 20 सेकंड के बाद आप इसको फ्लिप कर दीजिएगा। बस फ्लिप करने के बाद जब दूसरी साइड से हल्का सा शेड हमारा आ जाएगा पराठे में, तब हम इस पॉइंट में इसमें ऑयल लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं राइस ब्रांड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और बस इस तरीके से पराठे को अच्छे से सेक लेंगे। इस पॉइंट में आप मीडियम और लो फ्लेम ही रखिएगा ताकि आपका पराठा अच्छे से क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो बस थोड़ी देर के लिए पराठे को आप ऐसे ही तवे पे छोड़ दीजिए, अपने आप सिक जाएगा और एकदम देखिएगा गोल्डन शेड देके एकदम बेहतरीन सा पराठा आपका बनकर तैयार होगा। खाने में तो मज़ेदार है ही, देखने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस इस तरीके से पराठे बनाकर आप तैयार कीजिए। यहाँ पर मैं स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का प्रेस करके पराठे को सेक रही हूँ। ये देखिए हमारा पराठा एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, कितना अच्छा सिका हुआ है। बस इसी तरीके से आप सारे पराठे रेडी कर लीजिएगा, बहुत मज़ेदार बहुत टेस्टी बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो इनको ज़रूर बनाइए, ब्रेकफास्ट में आप बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएंगे। तो बस पराठा हमारा देखिए एकदम परफेक्ट सिक के तैयार हुआ है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना डिलीशियस लग रहा है। बस इसी तरीके से मैं सारे पराठे सेक लूँगी और गरम गरम सर्व करूँगी। तो आप भी इन पराठों को ट्राई कीजिए, मुझे बताइए कि आपको कैसे लगे। इस तरीके से एक बार बना के देखिए मेथी के पराठे, तो सच में आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। एक जैसे खाने खा के इंसान बोर हो जाता है, तो हमेशा कुछ नया कुछ अलग से ट्राई करना चाहिए। तो आप भी इसको ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपको कैसे लगे। तो ये देखिए हमारे सारे पराठे बन चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पराठे कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हो रहे हैं, और जो हमने परते लगाई थी वो परते भी यहाँ पर खुल रही हैं। तो इस तरीके से आप पराठों को ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठे बनकर तैयार होते हैं और बहुत हेल्दी भी होते हैं। आजकल आप इनको नाश्ते में बनाएं और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी आलू और मेथी के पराठों की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने लेयर कितने परत वाले पराठे हमारे बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। तो जब अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो बने रहिए भी ऐसी तरह हमारे साथ, और हम अच्छी अच्छी रेसिपी के आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेस्ट विद फारा।